25 देखिए, के का वह मान जाती है जिसके लिए नीचे दिए गए समीकरण निकाय के हल शून्य हो, शून्य उत्तर है यानी कि नॉन जीरो है। अच्छा नॉन जीरो हो, नॉन जीरो नहीं कहना चाहिए, मतलब ये लिखना चाहिए हलों की संख्या शून्य हो। ये समीकरण निकाय का हल शून्य उत्तर कह रहा है, यानी कोई ना कोई हल ऐसे लेना होगा। तो चलिए देखते हैं, ए वन है आपका 3, बी वन है आपके पास 5 और सी वन है आपके पास 0। ए टू है आपके पास k, बी टू है आपके पास 10 और सी टू है आपके पास 0। ठीक है, तो सी वन सी टू से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसीलिए शून्य उत्तर कह रहा था, है ना जी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ए वन बाई ए टू इक्वल टू में बी वन बाई बी टू, इन्हीं दोनों को लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए देखिए 3 बाई में के इक्वल टू में 5 बाई में 10, 5 टू जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के का वैल्यू 6 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे देखना होगा, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।